बड़ी खबर, कई जगहों पर यूक्रेनी आर्मी रूसी सेना पर पड़ रही है भारी। जहां टैंक और मिसाइल से रूसी आर्मी पर ताबड़तोड़ हमले को लेकर बड़ी खबर यह है कि ओडेसा में रूस और यूक्रेन की अब आर्मी आमने सामने है। यूक्रेनियन फोर्स जिस तरीके से लगातार एक्शन कर रही है उसके तहत ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई जगहों पर यूक्रेनी आर्मी रूसी सेना पर पड़ रही है भारी। टैंक और मिसाइल से रूसी आर्मी पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। ओडेसा में रूस और यूक्रेन आमने सामने आ चुके हैं। रूस और यूक्रेनी सेना में भीषण जंग जारी है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी जवानों का अब रूसी सैनिकों पर बड़ा पलटवार हो रहा है। यूक्रेन की 28वीं बटालियन ने अटैक किया है और जिस तरीके से यूक्रेनी जवान लगातार रूस के सैनिकों को कड़ा जवाब देने की कोशिश में है, उसी के तहत खबर यह है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन की 28वीं बटालियन ने अब अटैक कर दिया है और इन हालात के बीच युद्ध को लेकर ही जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा यह कि अब 1000 किलोमीटर का इलाका खाली करा लिया गया है। यूक्रेनी सेना ने कई इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। जेलेंस्की की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत आपको बता दें, खेरसों, खार्किव, डोनेस्क में रूसी सेना को अब पीछे धकेलने का दावा जेलेंस्की कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारी फौज ने 20 से ज्यादा इलाके को वापस ले लिया है, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है रूस के खिलाफ और यूक्रेनी सेना ने कई इलाकों पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है। खेरसों, खार्किव, डोनेस्क में रूसी सेना को पीछे धकेलने का दावा जेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है। रूस से जंग में अमेरिकी हथियारों के दम पर अब लड़ाई को लेकर खबर यह है कि अमेरिकी MLRS M270 के साथ यूक्रेनी युद्ध लड़ रहे हैं। रूस को खूब जवाब दे रहे हैं यूक्रेन के सैनिक, ये बड़ा दावा किया जा रहा है और लगातार आ रही खबरें और जेलेंस्की की तरफ से किए गए दावे। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि वॉर के बीच सरप्राइज विजिट पर कीव पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। रूसी हमले के बाद दूसरी बार कीव पहुंचे हैं यूएस विदेश मंत्री। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात और साथ ही मुलाकात के बाद एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया, रूस के साथ अहम मोड़ पर है ये युद्ध, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री ने हर मोर्चे पर मदद का एक बार फिर से भरोसा जताया है। अब बाइडेन का ये रण है, पुतिन की बर्बादी का ये प्रण। इसके तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर अब आपके सामने एक एक डिटेल होगी, क्योंकि यहां रूस की टूटती अर्थव्यवस्था पर मिलकर चोट पहुंचाने की ये कोशिश, साथ ही रूस की टूटती अर्थव्यवस्था पर मिलकर चोट पहुंचाने के साथ साथ जब तक पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं रोकेंगे हम नहीं रुकने वाले। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया कि इस युद्ध से बर्बादी का रास्ता खुद रूस ने ही चुना है। साथ ही बड़ी बात वो यहां पर कह रहे हैं कि हम और हमारे सभी सहयोगी लोकतंत्र के लिए एक साथ मजबूत होकर साथ खड़े हुए हैं और डिफेंस के लिए यूक्रेन को हथियार भी पहुंचाते रहेंगे। तो यूक्रेन की मदद का एक बार फिर से भरोसा देते हुए डिफेंस के लिए यूक्रेन को हथियार पहुंचाने की बात दोहराई गई है। और इस बीच ये भी बता दें कि यूक्रेन के ही बाल्कनिया में भी अब लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि रूसी सेना से मुक्ति मिलने के बाद लोगों में खुशी है। उसी के तहत अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर यूक्रेन वापस कब्जा कर चुका है, जिसके बाद रूसी सेना से मुक्ति मिलने के बाद जश्न का माहौल नजर आ रहा है। सैनिकों से गले मिलकर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से सैनिकों की जिस तरीके से ये कोशिश थी उसके बाद उन्हें ये कामयाबी मिली है और दावा यही किया जा रहा है कि रूस की सेना को यहां से धकेल दिया गया है और सैनिकों के साथ गले मिलकर आम नागरिक, यूक्रेन के ये आम नागरिक अब खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।